Welcome back, friend. This is Kapilbhatt here. Today I'm going to teach you how to rotate cube in stylish way. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यूब को कितने स्टाइलिश वे से हम रोटेट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ एक बढ़िया सा स्टाइलिश तरीका जो कि अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये बहुत पुराना है. करना कुछ नहीं है आपने, आपको मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरह घुमाते हैं. थोड़ा सा अभी ये अटक रहा है, लगता है मैंने और उसको किया नहीं है. क्या और जिस तरह के अभी आपने स्लो मोशन में देखा कि किस तरह क्यूब रोटेट हुआ था, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं किस तरह इसे रोटेट करते हैं. करना कुछ नहीं है, आपने आपने रखना है सेंटर पे अपने थंब को, और मतलब अपने फ्रंट फेस के सेंटर पे आपको थंब को रखना है और पीछे बैक फेस के सेंटर पे आपको अपने मिडल फिंगर को रखना है. और यहाँ पर हमारे राइट बॉटम लेयर जो है, हमारे राइट डाउन लेयर जो है, उसे अपने होल्ड करना है अपने थंब एंड मिडल फिंगर से. और किस तरह रोटेट करना है, टू टाइम्स बॉटम बॉटम लेयर को टू टाइम्स रोटेट करेंगे, साथ ही साथ पूरे क्यूब को इन दोनों फिंगर से, थम से और फिंगर से पूरे क्यूब को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह फिर से राइट साइड आ जाएगा. मतलब क्या हो रहा है, बॉटम को अपना टू टाइम रोटेट किया, फ्रंट पर आ गया ग्रीन, फिर से अब इस तरह क्या किया, एक बार फिर से समझाते हैं. आप बॉटम को टू टाइम रोटेट किया, साथ देखिए इसे भी रोटेट कर रहा हूँ और इन दोनों को भी साथ साथ रोटेट कर रहा हूँ. ये टू टाइम रोटेट किया, ये ऊपर आ गया थंब अपना. अब मैं फ्रंट, जो मेरे फ्रंट है जहां मैं इन दोनों को होल्ड कर रहा हूँ, बस इन दोनों को अब रोटेट करना है टू टाइम्स और पूरे क्यूब को फिर रोटेट करते जाना है. और बस इसी को बार 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 दोहराते जाना है और हो जाएगा क्यूब पूरा का पूरा वैसे ही जैसे उसकी एक्चुअल पोजिशन पर वापस से आ जाएगा. तो यहाँ पर क्यूब थोड़ा सा अटक रहा है, तो मैं इस वाले क्यूब से और रोटेट करके देखना चाहूंगा. चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं स्लो मोशन में, थोड़ा धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आए, और फास्टर वे में कुछ इस तरह. और ये हो गया. चलिए तो मैं आपको एक अनदर वे बताता हूं क्यूब को रोटेट करने का. यहाँ पर सिंपल है, आपने अगर टू मूव वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा. करना कुछ नहीं है, आपने अपने इन 2x2 ब्लॉक को अपने होल्ड करना है अपने थंब से, और पीछे यहाँ 2x2 ब्लॉक को अपने मिडिल फिंगर से होल्ड करके रखना है. ये वाली लेयर मतलब अपने राइट लेयर और अपर लेयर को फ्री रखना है, करना कुछ नहीं. और इन दोनों फिंगर से भी अपने 2x2 ब्लॉक के ऊपर ही रखना है, इंडेक्स फिंगर से इसे एक बार ऊपर और इसे आगे. क्या किया मैंने, इंडेक्स से इसे ऊपर इसे आगे, बस इसे करते रहना है. अगर आपने मेरी टू मूव वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये वाला रोटेशन आता होगा. काफी बेहतरीन तरीका है ये क्यूब को सॉल्व करने का, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है ये, और काफ़ी लोगों को फेक भी लगता है. और यहाँ पर एक क्यूब हो जाएगा इस तरह सॉल्व. ठीक है, तो हो सक और एक और इसी का सेम वे है, टू मूव वाले फिंगर का सेम वे है. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कॉर्नर को होल्ड करके रखना है अपने तीनों फिंगर से, थम से, इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से, इस तरह से पकड़ देना है. और यहाँ पर इसे ऊपर किया, इसे आई किया, और बस फास्ट में करते जाना. आपको पता भी चल रहा होगा कि घूम रहा है, मगर ट्रस्ट मी ये पूरी तरह रोटेट हो रहा है. और इस तरह आपको रोटेट करते जाना है और पूरा का पूरा क्यूब जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. बस थोड़ा सा और टाइम है. आपको समझ में, आपको लग रहा होगा कि क्यूब जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब किस तरह से रोटेट हो रहा है, आपको थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड टाइप लग रहा होगा, मगर ये बहुत ही मज़ा आता है जब आप इसे रियल में करते हैं. तो और ये तो आप जानते ही हैं, इसे ऊपर इसे आगे.
और बस इस तरह करते ही और हो जाता है ये सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने से बेहतर है कि मैं अगला वाला क्यूब उठाता हूँ और आपको इसी पर बताता हूँ। और इस तरह से बस इसे रोटेट करते जाइए, करते जाने और ये भी हो जाएगा सॉल्व। कोई भी मूव आपको गलत नहीं लेना, अगर आपने गलत मूव ले लिया तो सॉल्व नहीं होगा ये। और सेम स्लो मोशन में तो इस तरह बहुत सारे रोटेट करने के वे होते हैं, बहुत सारे स्टाइलिश तरीके होते हैं। मैं और भी आपके लिए तरीके लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल सब्सक्राइब, साथ दबा दीजिए बेल आइकन को। और हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।